नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं ईश्वर रुद्र राकेश त्रिवेदी आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ लेकर इस दिव्य मंच धर्म ज्ञान के मंच पर। दैनिक राशिफल में आज हम बात करने वाले हैं 28 जून सोमवार 2021 का राशिफल। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज अषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज राहुकाल जो रहने वाला है वो सुबह 7:30 बजे से लेकर और 9 बजे तक रहेगा प्रातःकाल। इस बीच कोई भी शुभ कार्य इत्यादि करने से आपको परहेज करना है। अगर आप शुभ बेला शुभ मुहूर्त की बात करने जा रहे हैं तो आपके लिए 11:10 से लेकर 12:40 तक के लिए समय बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। अब बात करते हैं आज के राशिफल में, फटाफट राशिफल के सफर में आइए बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज आपका दिन उन्नति भरा रहेगा। साथ ही साथ आज अचानक कोई शुभ लाभ या कहीं से धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आज शत्रु आपके परास्त होते हुए नजर आ रहे हैं। शाम तक आज अगर व्यापार में हैं तो कोई बड़ी डील इत्यादि भी फाइनल करने में आप कामयाब हो सकते हैं। आज भौतिक सुख सुविधाओं पर व्यय आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है। आज आपके लिए आपका भाग्य आगे आगे चलते हुए आपको मजबूती देने वाला है। बात करते हैं अगली राशि, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आज अगर आप बुद्धि और विवेक से कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी फैसला लेते हैं तो वह आपके लिए शुभ स्थान लेगा और शुभता भरा रहेगा। इसके साथ ही आज किसी प्रिय व्यक्ति से, आपके करीबी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। बहुत दिनों बाद आपके चेहरे पर वह मुस्कान देता हुआ नजर आ रहा है। कानूनी विवाद में आज सफलता मिलती हुई आपको नजर आ रही है। इसके साथ ही आज कहीं देवस्थान इत्यादि के भी दर्शन का आप प्लान कर सकते हैं या निकलने की तैयारी भी आज कर सकते हैं आप। स्थान परिवर्तन के लिए अगर आप शुभ समय की तलाश कर रहे थे तो आज शुभ समय है। आज आप नौकरी या व्यवसाय में कुछ परिवर्तन अगर चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। बात करते हैं अगली राशि, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आज आपका दिन थोड़ा सा कठिनाई भरा हो सकता है। आज आपके लिए थोड़ा सा आपको क्रोध पर अपने नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। आज बेवजह के किसी के वाद विवाद में फंसना नहीं आपको। आज अगर बहुत करीबी आप अपना मित्र किसी को समझते हैं तो वह आपको आज धोखा देता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं मित्र आपका, कोई करीबी आपका, स्नेहीजन आपका आपको धोखा देगा। घर से बाहर निकलने से पहले आज आपको थोड़ा सा विचार विमर्श करना, अगर जरूरी ना हो तो ना निकले। कहीं ना कहीं दुर्घटना की तरफ आज इशारा कर रहा है राशिफल और ग्रहीय दृष्टिकोण। बात करते हैं अगली राशि, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आज आत्मविश्वास में पराक्रम में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। आज सफलता आपके कदमों में आकर गिरेगी। आज आपका मेहनत कम लगेगा लेकिन कम से कम उसके लिए किया गया प्रयास और लाभ आज ज़्यादा लगने वाला है। आज काफ़ी दिन बाद आप सृजनात्मक सोच रखेंगे। आज कुछ बनाने की, आज कुछ रचनात्मक आपका सोच होगा। आज आपका फल जो मिलने वाला है भाग्य के द्वारा वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा। आज परिश्रम कम और फल ज़्यादा मिलेगा। ऑफिस में आपके साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ आपका व्यवहार अच्छा होगा। बात करते हैं अगली राशि, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आज दिन की शुरुआत आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा थकान भरी या फिर मानसिक रूप से पीड़ा भरी हो सकती है। आज परिवार के सदस्यों का सहयोगपूर्ण व्यवहार रहेगा, विशेष करके पति पत्नी के संबंधों में बहुत एक दूसरे को आप सहयोग करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आज कार्य क्षेत्र में कोई वरिष्ठ अधिकारी आपके कामों में आज रुकावट डालता हुआ नजर आएगा। आज रात्रि के समय कुछ मांगलिक और शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको हो सकती है। बात करते हैं अगली राशि, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आज धन का आवागमन लगा रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं व्यय ज़्यादा होगा और इनकम कम, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मानसिक तनाव आपको देखने को मिलेगा। आज आपके लिए सोच समझ कर धन निवेश करने का दिन है। अगर कहीं से भी आप ब्लाइंड सोच के साथ मोटा पैसा डाल देते हैं तो वह कहीं ना कहीं आपको लॉस देगा। आज आपको आपके आसपास लोगों से टकराव और तनाव को थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर कोई भी कुछ बहस इत्यादि करता है तो वहां पर आपको दूर हो जाना है, उनसे आपको दूरी बनाकर रखने की जरूरत रहेगी। बात करते हैं अगली राशि,
तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए आज की शुरुआत खर्च और कर्ज के साथ होगी। आज का दिन आपके लिए शायद सबसे कठिन दिन होगा। आज आपको थोड़ा सा सोच समझकर अपने अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों में या पारिवारिक मामलों में आज वाद विवाद बढ़ सकता है और आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसके साथ ही आज कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला आपको, बड़े मजबूत या कहने कठोर फैसला आपको लेना पड़ सकता है अपने जीवन से संबंधित। बात करते हैं अगली राशि, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज दिन बेहद शुभ होने वाला है। आज आपके कार्य बनते हुए चलते रहेंगे। आज कहीं ना कहीं आपकी मुसीबतें आपके रास्ते से हटते हुए नजर आ रही हैं। पुरानी समस्याओं का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग और सहयोगियों का प्रेम पूर्वक व्यवहार आपको खुशियाँ प्रदान करेगा। आपका हृदय प्रसन्न होगा। आज कहीं ना कहीं आपका कोई अधिकारी आपसे प्रसन्न होकर आपके कार्य की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। आज परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और आनंदमय जीवन आज का गुजरने वाला है। बात करते हैं अगली राशि, धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए कैसा होने वाला आज का दिन? धनुराशि वालों के लिए आज दिन भर कार्य की व्यस्तता होगी। आज मान सम्मान यश में वृद्धि होगी। साथ ही साथ पूजा पाठ में आज मन आपका प्रसन्न रहने वाला है। इसके साथ ही आज किसी के लिए कुछ पैसों के इंतजाम में आप आर्थिक रूप से किसी के प्रबंध के लिए आप थोड़ा सा परेशान दिख सकते हैं। आज आपको कुछ नए अवसर आपके हाथ से टकरा सकते हैं जो आपको लाभ देंगे। पति पत्नी के संबंधों के लिए आज दिन शुभ नहीं है। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आज आध्यात्मिक सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। परिवार में कुछ शुभ समाचार या मांगलिक कार्यों की रूपरेखा तैयार हो सकती है। आज भाग्य आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको परिश्रम आज ज़्यादा कराएगा और फल आपको कम देगा। आज रोजमर्रा के घरेलू कामों में आप अपना जो समय है वो निपटाते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं व्यतीत होगा आपका। आज हो सकता है आपका पुत्र या पुत्री के संबंध में कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, खास करके विवाह या उसके लव रिलेशनशिप को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है और कोई कठोर निर्णय लेने की नौबत आज आ सकती है अपने संतान पक्ष से। बात करते हैं अगली राशि, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन, आज स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने का दिन है। आज अगर स्वास्थ्य कहीं से भी आपका थोड़ा ढीला चल रहा है या कहीं से उतार चढ़ाव चल रहा है तो वहां से आपको सचेत रहने की जरूरत है। सावधानी आपको बरतनी है वाहन चलाते हुए, या वाहन अगर बहुत ज़्यादा आप चलाते हैं या लंबी जर्नी करते हैं तो वहां भी आपको सावधानी बरतने की रहेगी। खान पान में आज आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। विशेष करके अगर कहीं से भी पेट इत्यादि के रोग से आप पीड़ित हैं तो आपको सतर्क रहना है। आज जल्दबाजी में आपसे कोई बड़ी भूल हो सकती है जिसके लिए समय रहते आप अपने आप से भी और जिसके लिए यह गलती हुई है उससे भी अगर माफी मांग लेंगे तो आपके संबंध और आपका मान सम्मान दोनों एक दूसरे के साथ बना हुआ रहेगा। बात करते हैं अंतिम राशि, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला आज का दिन? मीन राशि वालों के लिए आज का दिन लाभकर होगा। आज व्यापार में जोखिम उठाने का परिणाम आपको लाभ दे सकता है। कहीं ना कहीं आज जो भी रिस्क आप उठाएंगे वह कहीं ना कहीं आपके लिए हितकर होगा। जीवन साथी का सहयोग आज मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्रिय मित्र के नाराज हो जाने की वजह से कुछ कष्ट आपको मिल सकता है। आज अपनी बुद्धि के प्रयोग से आप कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ ही आज आपके पत्नी भाव में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, या प्रेमी प्रेमिका अगर आप हैं तो वहां भी तनाव मिलता हुआ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। विशेष करके मीन राशि वालों के लिए आज इमोशनल होकर किसी तरह के निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, ना तो क्रोध में ना ही बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की स्थिति में। तो ये रहा आज का 12 के 12 राशियों का हाल। अगर इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और डेली राशिफल भविष्यफल आपको मिलता रहेगा। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं। और धर्म ज्ञान के इस दिव्य मंच पर मेरे अन्य वीडियोज़ को भी देखना आप ना भूलिए। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव।